हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सारिकास कुकिंग डायरी। मैं हूँ सारिका और आज मैं दिवाली के लिए स्पेशल मेथी की शक्करपारा बनाने वाली हूँ। मेथी की शक्करपारे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है मैदा, सूजी, घी, दूध, कसूरी मेथी, नमक, पानी और कुकिंग ऑयल। सबसे पहले हम शक्करपारे का डो बना लेते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ये बाउल लिया है। इस बाउल में हम सारी सामग्रियाँ ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इस बाउल में एक छोटी कटोरी घी ले लेती हूँ। ये वनस्पति घी है जिसे मैंने मेल्ट करने के लिए थोड़ा गर्म कर लिया है। उसके बाद लेते हैं छोटी कटोरी दूध और फिर घी और दूध जितना ही पानी भी हमें लेना है, यानी कि हमें घी, दूध और पानी को इक्वल क्वांटिटी में लेना है। अब इसमें डालेंगे एक चम्मच सूजी और स्वाद के अनुसार नमक। और फिर यहाँ पर हमने जो ये डेढ़ चम्मच कसूरी मेथी ली है उसे हाथों से यूं मसल कर इसमें डालेंगे। अब हमने सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं, तो अब इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जिससे हमारे डो का घोल रेडी हो जाएगा। अब इस तैयार घोल में हमने यहाँ पर जो मैदा लिया है उसे डालकर डो बनाना शुरू करेंगे। इस घोल में डो बनाने के लिए जितना मैदा लगेगा उतना ही मैदा हमें थोड़ा थोड़ा लेकर मीडियम डो गूंथना है, जो ज्यादा सॉफ्ट या ज्यादा हार्ड ना हो। अभी यहाँ पर मुझे और मैदा लगेगा तो मैं थोड़ा मैदा ले लेती हूँ। ये देखिए हमारा डो बनकर रेडी हो चुका है। तो अब इस पर गीला कपड़ा रखकर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट होने देते हैं। 20 मिनट हो चुकी है तो डो पर से कपड़ा हटा देते हैं और फिर से एक बार डो को मल लेते हैं। अब इस तैयार डो के हम गोले बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने गूथे हुए आटे से 3 गोले बनाए हैं। अब बेलना शुरू करते हैं। हमें इसे पतला बेलना है। मैंने गोले को बेल लिया है, तो अब इसे हम पिज्जा कटर या फिर छुरी से डायमंड शेप में काट लेंगे। डायमंड शेप देने के लिए पहले हम इस तरह पतले पतले लंबे स्ट्रिप्स कर लेंगे और फिर आड़ा कट करेंगे। कट करने के बाद साइड से अनइवन पीसेस को पहले निकाल लेंगे और शेप वाले पीसेस को एक प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह हम बाकी के गोलों को भी बेलकर काट लेते हैं। मैंने तीनों गोलों को बेलकर कट कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमने साइड के अनइवन पीसेस को निकाले थे उसे भी बेलकर कट कर लेते हैं। अब बारी है पारों को डीप फ्राई करने की, तो उसके लिए यहाँ पर मैं गैस को ऑन करके मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई में तेल को गर्म करने रख देती हूँ। तेल गरम हुआ कि नहीं वो देखने के लिए गूथे हुए पारे का थोड़ा आटा इसमें डालकर देख लेते हैं। डाला हुआ आटा ऊपर आ गया है, मतलब तेल गरम हो चुका है। तो अब हम गैस की फ्लेम को धीमा कर देते हैं और हमने यहाँ पर जो पारे कट करके रखे हैं उसे फ्राई करने डाल लेते हैं। एक साथ ज़्यादा पारे फ्राई नहीं करने हैं, थोड़े थोड़े पारे डालकर फ्राई करें। गैस की धीमी आंच पर ही कंटिन्यू चलाते हुए पारों को सुनहरा होने देना है। पारों को अच्छे से सुनहरा होने तक फ्राई होने दें, नहीं तो पारे अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेथी के पारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब इन्हें एक प्लेट में पेपर नेपकिन रखकर निकाल लेते हैं।
अब इसी तरह बाकी के पारों को भी फ्राई कर लेंगे। सारे पारे फ्राई हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि मेथी के पारे बेहद ही खस्ता बने हैं। मेथी के इन पारों को अच्छे से ठंडा होने दें और फिर इन्हें एयर टाइट कंटेनर में भरकर 15 से 20 मिनट तक स्टोर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई हो तो वीडियो के नीचे दिए लाइक के बटन को प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।